शाहरुख खान के बेटे ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी वक्त आएगा जब आलीशान महल नहीं एनसीबी की बैरक में रात गुजारनी होगी। आर्यन खान ने कभी नहीं सोचा था कि सितारों की तरह जिंदगी बिताने वाला आर्यन एनसीबी के सवालों का सामना करेगा। आर्यन बताएगा कि कैसे ड्रग्स के तार फैले हुए हैं, कैसे वो ड्रग्स लेने वालों की चपेट में आया, कैसे ड्रग्स लेने का उस पर आरोप लगा। एनसीबी सवाल करेगी और जवाब देगा आर्यन खान। आर्यन खान को उसके दोनों साथियों मुनमुन दमेचा और अरबाज मर्चेंट के साथ मेडिकल के लिए पहले ले जाया गया था। उसके बाद एनसीबी आर्यन को लेकर इसके बाद एनसीबी आर्यन को लेकर किला कोर्ट पहुंची। कोर्ट में पेशी के दौरान बचाव पक्ष और सरकारी वकील के बीच बहस हुई। सभी आरोपी एक दूसरे के संपर्क में थे ताकि आर्यन की जमानत की सुनवाई हो सके, 5 अक्टूबर तक कस्टडी दी जाए। एनसीबी को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने आर्यन खान को एक दिन के रिमांड पर भेज दिया। करीब 45 मिनट चली कोर्ट की कार्रवाई के दौरान एनसीबी और आर्यन खान के वकील की तरफ से क्या क्या दलीलें दी गईं, अब वो आपको बताते हैं। एनसीबी के वकील की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि तीनों आरोपी ड्रग्स सेवन और ड्रग्स के नेक्सस से जुड़े हुए हैं। हालांकि एनसीबी के वकील ने कहा कि आर्यन पर सिर्फ ड्रग्स सेवन का आरोप है, जबकि अरबाज और मुनमुन पर ड्रग्स रखने के भी आरोप हैं। 5 अक्टूबर तक रिमांड मांगते हुए एनसीबी वकील ने कहा कि व्हाट्सएप चैट्स की जांच करने और ड्रग्स के सोर्सेज और लिंक्स को खंगालने की जरूरत है। हालांकि आर्यन पर सिर्फ ड्रग्स सेवन का आरोप है और उन पर जिस धारा के तहत केस दर्ज हुआ है वो जमानती धाराएं हैं, लेकिन एनसीबी ने कोर्ट से जमानत की धाराओं पर भी आर्यन को 2 दिन की कस्टडी में भेजने की गुजारिश की थी, जिसका आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने विरोध किया था। इधर आर्यन रिमांड पर है, उधर शाहरुख खान के घर में शोक होगा। एक स्टार क्रिकेटर ड्रग्स के मामले में यूं गिरफ्तार होना बताता है कि फिल्मी दुनिया में ड्रग्स की जड़ें गहरी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।